नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एस्क्लेपियस आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानकारी देंगे आपको कैल्शियम प्रोडक्ट के बारे में। AWPL कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में फूड कैटेगरी में इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया है। AWPL का कैल्शियम टेबलेट है, ये टेबलेट फॉर्मेट का प्रोडक्ट है। आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि कैल्शियम से क्या बेनिफिट्स होता है हमको, इसकी डिफिशेंसी से क्या प्रॉब्लम होता है, इसके अलावा पर डे हमको कितनी कैल्शियम जरूरी है हर उम्र के लिए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या फीमेल में हो, ये सबको कितना कैल्शियम पर डे चाहिए, इसकी भी जानकारी आज के वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कैल्शियम जो है ये हर उम्र के लिए बहुत ही आवश्यक मिनरल है, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान हो, सबको ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक खनिज है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिकांशतः देखा गया है कैल्शियम का खतरा अधिक हो जाता है, क्योंकि महिलाओं के पीरियड्स, डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद कैल्शियम की कमी होने लगती है उनके बॉडी में। दोस्तों, कैल्शियम से जो बेनिफिट है वो है मजबूत हड्डियां। यदि मजबूत हड्डियां चाहते हैं तो कैल्शियम का यूज कीजिए। हड्डियों में वृद्धि में भी सहायक है ये, दांतों का विकास, साथ में मसूड़ों में की भी मजबूती, इसके अलावा क्रोनिक डिजीज से भी बचाने में ये हमारी हेल्प करता है। और यदि हम इसकी डिफिशेंसी की बात करें तो हमारी हड्डियाँ इसकी कमी से कमज़ोर होने लगती है, उनमें दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में काफ़ी ऐठन आने लगता है, हमारे शरीर में कैल्शियम कमी होने से हाथ पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है, कभी कभी हाथ पैर सुन्न भी हो जाता है, महिलाओं में पीरियड्स जो है वो अनियंत्रित हो जाते हैं, हमारे दाँत और मसूड़े जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होने का भी खतरा बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कि किस उम्र में कितनी मात्रा में कैल्शियम चाहिए। दोस्तों, यदि बच्चे जो वृद्धि वाले बच्चे हैं उनको पर डे 500 से लेकर 700 मिलीग्राम तक कैल्शियम की ज़रूरत होती है। युवाओं में ये 700 से 1000 mg हो जाता है। प्रेग्नेंट जो फीमेल है उसमें 1000 से 1200 mg तक कैल्शियम पर डे चाहिए, और जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग करती है उसको कम से कम पर डे 2000 mg कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो था कैल्शियम से बेनिफिट्स, उसकी कमी से क्या लक्षण होते हैं, इसके अलावा किसको कितना कैल्शियम चाहिए। आइए हम जानते हैं कि AWPL कंपनी के जो नया प्रोडक्ट है कैल्शियम टेबलेट, इसको हमको इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसको एक पर डे एक टेबलेट जो है खाना खाने के बाद आपको इस्तेमाल करना है AWPL के कैल्शियम टेबलेट को। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। AWPL के कैल्शियम के बारे में और अधिक यदि जानकारी मिलती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।